और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। जी हाँ, ये है समर के लिए इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक और ये बहुत ही इजीली मैंने क्रिएट किया है। बहुत टीम टाइम वाला मेकअप नहीं था। वैसे लोग कहते थे दीदी आप अपना विंग लाइनर चेंज करिए चेंज करिए, फाइनली मैंने चेंज कर लिया। देख लीजिए ये यूँ नहीं है, ये यूँ है, ठीक है। तो मैंने अपना विंग लाइनर चेंज कर लिया है और अगर आप लोग को ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप। और आई नो कि मेरा हेयर अभी सही से बना नहीं क्योंकि इतने ढेर स्टेप्स में वो कटे हैं कि मैं जगह जगह से डाल देती लेकिन हो नहीं पा रहा था सही। तो जैसा भी बना उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना। वी कैन चेंज एनीथिंग एंड मेक इट बेटर टुगेदर, नाउ वी आर स्ट्रांग, डोंट क्वेश्चन इट। ट्रांजिशन कलर लेंगे ये वाला। और ये जो पैलेट है ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है और इससे पहले अच्छे से पूरी लिप पे अप्लाई कर लेंगे ताकि मेरा जो ट्रांजिशन कलर है वो अच्छे से फेस आईज पे लग जाए। उसके बाद ये पिंक का शेड लेकर अच्छे से क्रीज लाइन पे बनाते हुए लगाते हुए करेंगे। आउटर कॉर्नर से शुरू करके इनर कॉर्नर तक ले जाएंगे इसको इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे लूँगी डार्क ब्राउन शेड ये वाला और आउटर कॉर्नर पे ही इसे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा ब्राइट लगाऊँगी तो इस वजह से आउटर कॉर्नर पर ज़्यादा लगा रही हूँ। उसके बाद ये है लोटस का यू नो क्रीमी आई शेडो और ये आई शेडो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज। मतलब इसमें इतना अच्छा पिगमेंटेशन है और ये बहुत ही स्पार्कली है और बहुत अच्छा आई शेडो है। तो ये मैंने पर्पल से लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। यू कैन सी गाइज कि कितना पिगमेंटेड वाला है ये। तो इसे अच्छे से अपने इनर कॉर्नर तक लगाते हुए सेंटर लिड पर ले जाएंगे, आउटर कॉर्नर तक नहीं लगाना है। देर मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा और डेप्थ दूंगी ताकि अच्छा लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाइनर और ये जो लाइनर है वो है मार्लिन का और ये मुझे 35 समथिंग का मिला था। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पहले यूँ खींच लूँगी, उसके बाद नीचे से भी इसे ज्वाइन कर दूंगी। तो ये लग गया है मेरा लाइनर। देन मैं यहाँ पे आईब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी सेम पैलेट की हेल्प से। इसमें से दो शेड हाईलाइट के लिए तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे लगाऊंगी फॉल्सीज और वो जो फॉल्सीज है ये पैक की फॉल्सीज होगी। आईब्रो को फिल करेंगे। ये आईब्रो पेंसिल नहीं है, ये काजल पेंसिल है, उससे मैं करूँ क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए इसलिए मैं काजल से कर रही हूँ। आई मेकअप अभी बचा हुआ है, थोड़ा सा आईब्रो बोन को यू नो कर लेंगे सेट, आईब्रो को कर लेंगे। उसके बाद अब फेस पे आते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे लिया निविया का मॉइस्चराइजर सॉफ्ट क्रीम और इसे पहले बहुत हल्का सा लगाएंगे क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयल है तो आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्राइमर, ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर और ये सिलिकॉन बेस होता है तो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट प्राइमर है ये। तो मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मुझे ग्लो चाहिए तो ग्लो के लिए मैंने लिया वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर और इसे लगाने से बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पे, तो इसे मैं लगा रही हूँ। देन मैं यहाँ पे मालियो का ग्लो स्किन एल्यूमिनेटर मेकअप बेस ले रही हूँ और इसे भी अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी ग्लो के लिए, मुझे ग्लो 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 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये है लैक्मे एब्सोल्यूट एलिमिनेटिंग फाउंडेशन और इसे भी दो पंप लेकर और अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। पहले एक ब्रश के हम से अप्लाई करेंगे। वैसे मैं यहाँ पे स्पॉन्ज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ब्रश है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था ब्रश और ये काफ़ी अच्छा ब्रश आया मेरा।
देन मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद एक ब्रश, फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे और इससे अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्पॉन्ज। और ये जो स्पॉन्ज है ये लोकल मार्केट से मैंने लिया था, ये भी 50 रुपीज़ का ही है और ये बहुत अच्छा स्पॉन्ज है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाना था और वो वीडियो मेरी मिस हो गई तो उसके लिए आई एम सॉरी। इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा के सेट करिए सबको। देन यहाँ पे आई को कंप्लीट करने के लिए मैंने लिया है पिंक शेड और आउटर कॉर्नर को पर लगाएंगे लोअर लैश लाइन पर और नीचे के उसमें लगाएंगे स्विस ब्यूटी का ये जो ग्लिटर कौन क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है ये और ये बहुत ही अच्छा आई शेडो, मेरा फेवरेट है। और जो मेरा शेड है वो है डायमंड डस्ट। मैं सबका उसके बाद अब लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाएंगे। देन अब यहाँ पे मैं कॉन्ट्रोलिंग करूँगी, मैं बहुत फॉरवर्ड करके कर रही हूँ गाइस क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज चाहिए इसमें। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कॉन्ट्रोल पैलेट लिया है, सब कुछ मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये कॉन्ट्रोलिंग मेरी हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे नोज़ को थोड़ा सा और पॉइंटी दिखाऊंगी, फोटो वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लगाया था मैंने यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैंने लगाया है ब्लश और इसे अच्छे से लगा लेंगे अपने एप्पल चिक्स पे। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का हाइलाइटर और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने चिक्स पे लगा लूँगी, नोज़ पे, थोड़ा सा फॉरहेड, थोड़ा सा किपर्स व्यू पे। देन मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैं ये लिपस्टिक है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है और जो मेरी नेक्स्ट इस पे फील करूँगी लिपस्टिक वह मैबलिन की तरफ से और ये है स्मोकी रेड लिपस्टिक और ये मेरी फेवरेट एंड फेवरेट वाली लिपस्टिक है। इसमें जो है थोड़ा सा ब्लैकिश भी दिया है, थोड़ा सा रेडिश भी दिया है, तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे, उसके बाद इसे सब कुछ सेट कर लूँगी। सो यार दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप गाइस कि आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कॉमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।